लेटस डू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है वेन अ प्रोटोन इज रिलीज फ्राम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट विद इन एक्सलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट वैन इट इज प्रोजेक्टेड टूअर्ड्स नॉर्थ विद्पीड वी नॉट इट मूव एक्सलेशन ऑफ थ्री ए नॉट टेस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम आर तो मैंने ना यहाँ पे एक हॉरिजोंटल प्लेन बनाया है हॉरिजोनटल प्लेन आपको ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी डायरेक्शन होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों ये चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होती है और एक होता है वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्रेजेंट है और वर्टिकल प्लेन इसके वर्टिकल होता है यहाँ पे वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन होता है कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं उनको समझ में आता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है और नॉर्थ ऊपर नहीं है ठीक है हॉरिजॉन्टल प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इस डायरेक्शन में नॉर्थ को मान लेते हैं फ्रंट की तरफ जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में ड्रॉन कर रखा है तो फ्रंट हमारा नॉर्थ हो गया बैक साइड में हमारे साउथ हो गया हमारे लेफ्ट पे वेस्ट हो गया और हमारे राइट right में ईस्ट हो गया ठीक है ये डायरेक्शन मैंने हॉरिजोटल प्लेन में मान ली अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को जो कि प्रोटोन है उसको आप रेस्ट पर रिलीज करते हो तो यहां पे है चार्ज पार्टिकल ठीक है उसकी इनिशियल स्पीड जीरो है से रिलीज करते हो आप और इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन बतानी है अपन को तो जैसे ही मैं चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी क्यों नहीं लगाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी चार्ज पे वो होता है मूविंग चार्ज पे चार्ज मूव ही नहीं कर रहा तो फोर्स नहीं आएगा कौन सा मैग्नेटिक तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा वेलोसिटी नहीं है ना इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स लगाएगी नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब उसको आप जीरो स्पीड से रिलीज करते हो या इनिशियल स्पीड उसकी जीरो होती है तो वो इस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है इतने एक्सेलरेशन से यानी कि यहां पे जो उसका एक्सेलरेशन आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कोई एक्सेलरेशन आने ही नहीं वाला ये बात समझ क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी जीरो ही होगा तो जो एक्सेलरेशन है ए नॉट दिस इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है पॉजिटिव चार्ज पे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगाती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज करो ये है और मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख लिया तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता तो क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और क्वेश्चन बोल रहा है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इतने एक्सेलरेशन से तो इसका मतलब जहां पे एक्सेलरेशन होता है वहीं पे फोर्स होता है और जहां पे फोर्स होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में प्रेजेंट है तभी तो ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन यहां पर सेम रहेगी तो मेरे को ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में ठीक है तो निकालने के लिए क्या करूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज पे क्यू और जो फोर्स होता है वो एम ए नॉट के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहां से क्यू नीचे चला जाएगा दैट इज एम ए नॉट बाई क्यू की जगह हमने ई e पुट कर दिया क्योंकि आ, प्रोटोन का जो चार्ज होता है वो ई e के बराबर होता है ठीक है अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ क्वेश्चन ने एक और केस दे रखा है कि जब उसको नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट करते हो वी नॉट स्पीड से तो वो थ्री ए नॉट से वेस्ट की तरफ उसका एक्सेलरेशन आता है यहां पे आपने उसको इनिशियल स्पीड दिया है तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा सीधी सी बात है तो पहले हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उससे हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा अपन को मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं फ्री में दूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए का डायरेक्शन निकालने के लिए आप ये फॉर्मुला करे, यूज करेंगे इक्वल्स टू क्रॉस इसको फर्स्ट वैक्टर इसको सेकेंड वैक्टर इसको थर्ड वैक्टर मानेंगे राइट right हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वैक्टर की तरफ पॉइंट करेंगे पाम को सेकेंड वैक्टर की तरफ पॉइंट करेंगे थम जो है थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन देगा मेरे साथ करेंगे अपने राइट right हैंड से तो अपनी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर है है हमारे इस डायरेक्शन में ठीक ठीक ना तो इस में हमने को कर लिया ठीक है? अब जो उस फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स लग रहा है इधर तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होनी चाहिए फोर्स कौन बताएगा हमारा थम थम तो किस डायरेक्शन में आएगा थम आएगा हमारा टूवर्ड्स वेस्ट क्योंकि एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स वेस्ट हो रहा है तो थम भी मेरा कहा होना चाहिए टू वर्ड्स वेस्ट क्योंकि थम मेरा फोर्स बताएगा थर्ड वैक्टर ठीक है ना तो थम को मैं कर लूंगा थर्ड वैक्टर की तरफ तो पाम कहा है मेरा नीचे की तरफ तो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट वैक्टर फिंगर्स हो गई आपकी तो फिंगर्स फर्स्ट वैक्टर की डायरेक्शन में पाम सेकेंड वैक्टर यानी कि वी क्रॉस बी दिस इज वी दिस इज बी एंड दिस इज एफ वी क्रॉस बी तो आपका थम इधर पॉइंट कर रहा है तो मतलब फोर्स इधर लग रहा है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का होनी चाहिए डाउन ये डाउन डायरेक्शन है तो यहां से हमको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड डाउन डायरेक्शन में होगी एक ही ऑप्शन ऐसा अपना है कि जो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड डाउन में है वो है डी ऑप्शन ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड डाउन तो अपन को मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत भी नहीं है डायरेक्टली अपना हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड भी अपन निकाल सकते हैं देख लो कैसे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी नॉट भी ठीक है और वो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को एम ए नॉट के बराबर करा था वैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स को एम टू ए नॉट के बराबर करेंगे क्योंकि जो ए नॉट कम्पोनेंट आ रहा है यहाँ पे थ्री ए नॉट जो आ रहा है इसमें से टू ए नॉट जो फोर्स लग रहा है जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है और जो ए नॉट वो तो उनको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा था एक्सेलरेशन ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे एम टू ए नॉट तो बी के लिए सॉल्व करेंगे तो बी हो जाएगा हमारा टू एम ए नॉट बाई ईवी नॉट समझ में आई क्वेश्चन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग